हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर रितिका। सो गाइस, मेरा न्यू फोन आ चुका है और उसी से कर रही हूँ मैं आज की ब्लॉगिंग। तो चलिए देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं और मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि ये फोन मुझे किसने गिफ्ट किया है। लेकिन उससे पहले चलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया, इधर ही मैं बैठी हुई थी। मैंने बहुत सारी रील्स बनाई, फ़ोटो क्लिक करे, क्योंकि नया नया फ़ोन आया और बहुत टाइम से मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं किए थे और मैंने रील्स बना डाली इतनी सारी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी सारी। जाके आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर लो, इंस्टाग्राम मेरा इसी नाम से है, इंडियन ब्लॉगर रितिका। जाके लाइक करके आना वीडियो को। फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ पैरों की सिकाई। ये मेरा डेली का काम है, रोज मैं मतलब इसके सामने बैठी रहती हूँ, हीटर के सामने ही अच्छा लगता है सर्दियों में। और अभी अभी स्वाति दे के आई है एग्जाम, वो बैठी उधर। और घर में बहुत ज्यादा मैसअप हो रखा है क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है। और शानू अभी अभी अपना कोट लेके आया, मैं इसको दिखाती हूँ आपको कैसा कोट है। गाइस ने ये वाला कोट लिया है, ग्रीन कलर का, अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी बुआ का जो है भात आने वाला है, उसमें ये पहनेगा। और स्वाति भी अभी अभी आई है, इसका एग्जाम था। मैं क्या दिखा रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ कि मेरे फोन के अंदर ये वाला सिस्टम भी है कि मैं भी दिखूंगी और पीछे वाला भी आपको दिखेगा। तो काफी अच्छा सिस्टम है, मैं ऐसी व्लॉगिंग करा करूंगी, सबको लगेगा कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, पर साथ साथ में इनको भी दिखाती रहा करूंगी। अच्छा है ना, बताना मेरा फोन कैसा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ बन रहे हैं टेस्टी टेस्टी चने के लड्डू और माउथ वाटरिंग लड्डू है ये। यहाँ पर लड्डू बन के भी हमारे रेडी हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ही बहुत ही अच्छी सी चटनी, जो कि आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। अगर नहीं की तो मेरी इस वीडियो को देख के एक बार जरूर ट्राई करना, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था लास्ट टू डेज, तो मैंने सोचा कि मैं अब अपना वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं बताने वाली थी कि मुझे ये फोन किसने गिफ्ट किया है, तो मैं बता देती हूँ अभी। तो ये फोन मुझे गिफ्ट किया है सानू ने उसकी फर्स्ट सैलरी पे। तो सिर्फ खाली मुझे ही गिफ्ट नहीं किया सानू ने फोन, सानू ने स्वाति को भी दिलाया। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से फोन दिलाया हम दोनों को। ये वाले फोन है जो सानू ने हमें दिलवाए हैं, ये मैंने इसका बॉक्स उठा दिया था। ये वीवो V20 है, सानू ने हम दोनों को दिलाया है क्योंकि मेरा फोन भी खराब था और स्वाति का फोन जो है चोरी हो गया था, उसका पूरा बैक चोरी हो गया था। तो इसमें जो आपको शेड दिख रही होंगी, 3-4 पिंक भी दिखता है, ऑरेंज और ब्लू, तो काफी अच्छा शेड है। और धूप में तो इसका कलर बहुत ही ज्यादा औसम दिखता है, तो काफी अच्छा फोन है ये। और मुझे हो गए इसको चलाते हुए 5 से 6 दिन, लेकिन मैं इसका वीडियो बना नहीं पाई थी। लेकिन अब मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ।
हम दोनों के सेम चार्जर आए हैं, तो मैं स्वाति को बोल रही थी अभी हमें एक चार्जर निकालेंगे, एक चार्जर से ही दोनों चार्ज करेंगे। और एक मैंने रख दिया है एक अपने वाले बॉक्स में। फोन का एक बहुत ही अच्छा सा फीचर दिखा देती हूँ कि इसके अंदर कौन सा एक अलग सा फीचर है जो कि नॉर्मली फोन्स में नहीं होता है। मैं इस वाले फीचर की बात करी थी, मैं भी आपको दिखाई दे रही हूँ सामने और साथ में ही आपको मेरी बैक स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि फोन रखे हुए हैं दो, तो काफी अच्छी स्क्रीन है ये, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। बहुत अच्छा फोन है ये और क्वालिटी आप देख के मेरे को बता ही सकते हो कि कैसी क्वालिटी है, कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं इसको यूज कर रही हूँ 5-6 दिन से कंटिन्यूसली, तो काफी अच्छा फोन है। दूसरा ना इसका जो लुक है ना बहुत ही अच्छा वाला है। बोलना चाहती हूँ सानू को कि सानू ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, मुझे पता भी नहीं था कि मेरा फोन भी आने वाला है, क्योंकि घर से सब लोग मम्मी और सानू गए थे और स्वाति गई थी, सीमू भी गई थी, ये सोच के गए थे कि स्वाति का फोन लेने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि ये मेरे लिए भी फोन लेने जा रहे हैं। तो सानू ने ये जो फोन है दूसरे वाले कमरे में रख दिया था कि रितु दीदी तू ढूंढ, तेरे लिए भी कुछ लाए हैं हम। जब मैंने देखा तो मुझे मिला फोन, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यही मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी वीडियो बनाने के लिए कि मेरे पास एक अच्छा फोन नहीं था, जो था वो पुराना था। दूसरा अभी सानू जयपुर घूम के आया तो वहां से भी हमारे लिए कुछ लेके आया, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सानू लेके आया है हम तीनों के लिए प्यारे प्यारे से इयररिंग झुमकियां, इनके कलर मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ कैसी है गाइज, कुछ इस टाइप की है। और इसमें सानू हमारे लिए चार कलर लेके आया है और दो मेरे पास पहले से ही हैं, ग्रीन और ब्लू, कुछ इसी टाइप की है वो, पर मिरर इफेक्ट है उसके अंदर। तो कुछ इस टाइप की झुमकियां लेके आया है सानू, काफी अच्छी सी लग रही हैं। और एक और चीज लेके आया मैं आपको दिखाती हूँ। सानू जो है ये सबके लिए लेके आया है गिफ्ट करने के लिए, मेरी सारी मौसियों के लिए, नानी के लिए। ये देखिए कठपुतली लेके आया है वो, मुझे काफी डरावनी सी लगती है कठपुतलियां जो होती हैं और वहां जयपुर में ये चीजें कॉमन है, वहां पर जो भी लोग घूमने जाते हैं वो ऐसी ऐसी चीजें लेके ही आते हैं। तो सानू ये लेके आया है और हमारे लिए मैंने दिखाई दिया इयररिंग्स लाया है। तो सानू ने इस मंथ में मुझे दो गिफ्ट दे दिए हैं, एक तो ये इयररिंग्स दे दिए हैं, फोन दे दिया है सबसे बेस्ट गिफ्ट, और मैं बहुत खुश हूँ। और बस अब मैं यही करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय बाय। और दूसरा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो गाइज, जिन्होंने नहीं किया हुआ और वीडियो वॉच करते हैं, काफी सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लो भैया आप लोग भी। और दूसरा मैं पूछना सॉरी जो मैंने चटनी बनाई है उसके ऊपर भी कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और घर में एक बार ट्राई जरूर करना। सो बाय बाय।